तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। और आज मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल है क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट गेम जिसका नाम है मैन ऑफ मैदान। मैदान है या मैडन। और यह जो गेम है ना इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बता दूं आपको। यह गेम है एक चॉइसेस प्लस हॉरर्स वाला गेम और यह गेम्स मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि चुम्मा देना चाहता हूं गेम के क्रिएटर्स को। तो अगर मैंने एक चॉइसेस भी गलत ली यहां से वहां थोड़ी गलती की तो हमारे लग जाएंगे फिर बुरी तरह से। तो करते हैं अभी गेम को स्टार्ट और मचाते हैं थोड़ी तबाही मैन ऑफ मैदान। तो करते हैं गेम को स्टार्ट। तो अभी हम लोग खेलने वाले हैं गेम को अलोन क्योंकि हम लोग शुरू से सिंगल है तो फिर सिंगल ही खेलना पड़ेगा। और हॉरर जोनर है ना, मजा ही आने वाला है, अलग ही लेवल की मेरे अंदर से वाली एनर्जी निकल रही है। ओ भाई फाइनली स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे मैन ऑफ मैदान। तो अभी हम लोग हैं किसी शिप के पास और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह जाने में लगा हुआ है। और भाई मैं क्या ही बोलूं। हेलो ब्रो, की हाल चाल, सत श्री अकाल। क्या म्यूजिक चल रहा है हॉरर वाला यहाँ पे, पहले से चलाने लग गए के माइसे। ये क्या यहाँ पे बॉडीज वगैरह रखी जा रही है सब के अंदर, लग तो ऐसी रहा है। देखो बॉडीज वगैरह रख दी इन लोगों ने लाके। अच्छा यहाँ पे सिप के अंदर इन लोगों ने इसको कुछ बना रखा है ऐसा, कुछ पता नहीं क्या चीजें है, लेकिन यहाँ पे चार बॉडी ला के रख दी किसी की। ये पहले सबसे पहले मुझे अपने सबटाइटल्स वगैरह ऑन कर लेने दो। सबटाइटल्स वगैरह पूरे ऑन है वरना समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं लोग। सबटाइटल्स टेक्स्ट लैंग्वेज ओके, इंग्लिश टॉगल सबटाइटल्स ओके, सब कुछ सही है। स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह मैं देख लेता हूँ सब कुछ। ग्राफिक्स वगैरह की क्वालिटी भी ठीक है, अल्ट्रा पे मेरे में चलेगा नहीं क्योंकि मेरा लैपटॉप इतना तबाहीदार नहीं है कि मैं चला सकूँ इतने हाई लेवल पर गेम। तो अभी सिप का थोड़ा इंट्रो दिया, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो अभी हम लोग शायद किसी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मस्त चाइनीज वाला मगर लग रहा है, चाइनीज वाले बंदे जलाते हैं ना ऐसी लैम्प, या फिर जापान में जलाते थे पता नहीं कहीं पे ऐसे जलते हैं लैम्प्स। हेलो ब्रो, ये क्या हम लोग हैं, इतना क्यों पी लिए? अच्छा इस बंदे का नाम चार्ली है। अच्छा लौंडे लड़की पे लाइन मारने जा रहा है के? अच्छा लड़ाई में तुम्हें तो आ तो रहूं बिल्कुल लड़ने के लिए, आ जाओ। लाइन नहीं मार रहा था, ये उससे लड़ना चाहता है। कुछ चाइनीज बंदी ने कुछ बोला ना अभी। ये क्या है? अच्छा ये फ्यूचर दिखाएगा इसका। क्या चूज किया जाए, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछूं या फिर मैं पूछूं कि मैं क्या रईस बनूंगा यानी अमीर बनूंगा फ्यूचर में। बच्चे के बारे में पूछता हूँ, टेल मी अबाउट माय सन या विल आई बी रिच, और मैं कुछ ना बोलूं। अरे बच्चे के बारे में पूछ लेता हूँ, बच्चा अच्छा रहेगा तो हम भी अमीर निकलेंगे फिर। I guess I just want to know about my son. Will he, is he gonna grow up all right? देखते हैं क्या बताता है लौंडा। ये जो गुरुजी बैठे हैं हमारे सामने, प्रणाम गुरुजी। क्या चूज किया जाए यहाँ पे, बैम्बू टाइल या फिर ड्रैगन टाइल? बैम्बू चूज किया जाए यहाँ पे। वन डिसीजन। टेल मी व्हाट यू सी। देखते हैं क्या दिख रहा है मैं इसमें टाइल्स में। प्रेस एंड होल्ड टू पिक अप ऑब्जेक्ट्स ओके, और माउस से एग्जामाइन कर सकेंगे ऐसे ओके। मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी। योर फॉर्च्यून। डेथ। ये क्या फ्यूचर बताया? What does that mean? Hey, what does that mean? What the hell, man? अरे भाई ये तो बोल रहा है कि मर जाओगे तुम बहुत जल्द। Hey, bud, मतलब घुमा फिरा के बोला, वो तो मैं बोल रहा हूँ। अरे लौंडिया बोल रही क्या, तुम अपने फ्रेंड से बेटर कर सकते हो, आ जाओ इसे भी पेलते हैं।
25 सेंट्स पहले इसने पहले दिए थे और अभी 25 सेंट्स फिर से दिए से। अब आ जाता भाई, मचाते हैं, इससे लड़ते हैं जो भी चीज है। ऐसे हम लोग ऐसा निशाना लगाना है माउस से। और एक चीज मैं बता दूं, अभी देखो मैं आया हुआ हूँ घर रक्षाबंधन के टाइम पे, और मैंने जैसे कहा था मुझे अपना लैपटॉप सही कराना है, तो मैंने अपना लैपटॉप पूरा क्लीन वगैरह करा लिया है। अब हमारे गेम लैपटॉप में सारे गेम चलना स्टार्ट हो गए वापस से, मतलब जो ठीक ठाक चल सकते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों ना खेला जाए, टाइम है अभी रक्षाबंधन पे, वो बच गए हम लोग। और एक चीज़ और, एक तो मैं अपना माउस लाना भूल गया, तो अभी मैं पुराने माउस से खेल रहा हूँ और उस माउस की थोड़ी हालात ख़राब है, तो मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आप ये मत बोलिएगा कि ये कैसे कंट्रोल कर रहा है भाई। अरे हम तो बहुत सही खेल रहे हैं लौंडे ये। अरे जरा सब मिस हो गया, बस ऐसे ही नहीं करना है फ्यूचर में। ये मैंने गलती की ना, फ्यूचर में हमारे लग जाएंगे बहुत बुरी तरह से। अभी तो एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहे हैं लोग, ये मतलब डार्क जो पिक्चर्स है ना, डार्क एंथोलॉजी वाले जो भी गेम बनाते हैं, ओ भाई इन्होंने क्या क्या गेम बनाए हुए हैं। लिटिल होप, क्वायरी, हाउसेस ऑफ द एसेस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी सिप की तरफ। अभी हम लोग ने बहुत ज्यादा पी रखी है अलग ही लेवल की। ओ भाई मैं इतना ज्यादा खुश हो रहा हूं ना गेम खेलते टाइम। अभी क्या जा रहा है इसके अंदर इतना सेफली, क्या अच्छा इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, देखो वार्निंग लगी हुई है कि यह थोड़ा हजार्डस टाइप का है, कोई पता नहीं क्या चीज जा रही है रखने के लिए। शांति से रख दो बस जो भी है। पांच एक क्या लिखा है इसके ऊपर, कुछ नंबर लिखा हुआ पता नहीं क्या है। हाँ मैं जैसा कि बोल रहा था, ये क्या है ना, जो डार्क एंथोलॉजी वाले जिन्होंने, डार्क पिक्चर्स वाले जिन्होंने एक गेम बनाया हुआ है, इनके जो फ्यूचर में गेम्स है ना और भी बहुत सारी जो मुझे ट्राई करने हैं। लिटिल हुआ, क्वायरी हुई, हाउसेस ऑफ द एसेस हुई, ओ भाई चुम्मा गेम है एक नंबर के। अरे भाई 50 सेंट्स मांग रहा है। अरे दोस्त है ना, हम लोग 50 सेंट्स के लिए लड़ने में लगा हुआ है, ये ले हो, मिल गए 50 सेंट्स से। ये नहीं मांग रहा था सामने वाला, मांग रहा था वो पड़ गई उल्टा सीधा। एक तो हम लोग ने बहुत ज्यादा पी रखी है, तो वह कुछ भी मांग रहा है। 50 सेंट्स के पीछे कौन लड़ता है भाई। पड़ गए, मिल गए 50 सेंट्स लौंडे, बड़ा 50 सेंट मांगने आया था। तो अभी हम लोग यहां से फाइनली हमारे सिप चलने वाली है, और देखते हैं कहां को जा रहे हैं हम लोग आखिरकार। ओ भाई मौसम यहां पे बहुत बुरे हालात है मौसम के, और यह कोई चीज रखी गई है, यह पता नहीं क्या चीज है। बिजली कर गई सबके ऊपर, इसके ऊपर भी गिर गई, क्या चीज है यह मुझे समझ नहीं आ रही अभी। ओ ये तो किसी तरह की गैस है, पता नहीं क्या गैस है, लेकिन वह लीक होने लगी। बंदे मन ना जाए, उसने सही कहा था ना, वो जो गुरुजी बैठे हुए थे जो चाइनीज गुरुजी, उन्होंने कहा था मन ना है तुम्हारा पक्का कुछ फ्यूचर में। और यह गैस ही तो नहीं करेगी कुछ हमारे साथ कांड। अच्छा तो अभी हम लोग फाइनली सोकर उठ चुके, और यहाँ पे जो हमें चमाट पड़ा था ना मुक्का एक, उसका निशान पड़ा हुआ है। और हमें क्या दिख रहा है, इंक्रीज द सेडेशन, क्या चल रहा है भाई। वो गोलियां चलने की आवाज आ रही है, ये देखो। ओ सपना था भाई सपना। अभी हो रहे हैं 1 जून 2022 है और 1/36 हो रहे हैं भाई। हाउ इज दिस पॉसिबल, 1 जून 2022 था या क्या लिखा हुआ था, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, ये क्या रखा हुआ है। अच्छा ये तुम्हारे बेटे की फोटो है शायद। हेलो मेरे छोर रहे, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं तुमसे मिल ले, ठीक है मेरा वेट करते रहना। अच्छा लेकिन इसे उठाते कैसे हैं, उठा के यानी पलटना है मुझे, पीछे क्या है फोटो फ्रेम की ये भी तो देख सकते शायद इसमें, रहने दो।
तो अभी और क्या है हमारे रूम में घूमने के लिए। और हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें छुपी रहती हैं, अगर हम लोगों ने वह छोड़ दी ना तो हमारे लग जाएंगे। मतलब एक ओ ये क्या था, व्हाट द फक ब्रो, ये कौन लाश रख के चला गया हमारे उसके अंदर। हाँ, मैं जैसा कि बोल रहा था, मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लोर करती रहनी पड़ेगी, हर एक चीज़ उठा उठा के देखनी पड़ेगी, उससे हमें गेम की स्टोरी समझ आएगी कि आखिर चल क्या रहा है और हमें ये कौन सी की मिली, पता नहीं किस चीज़ की उठाते हैं। तो इस लौंडे को आखिरकार हुआ क्या भाई, किसने मार दिया, सो मार के उसके अंदर पेल दिया, उसके अंदर छुपा दिया। चलो तो चलते हैं रूम के बाहर, और ऐसे तो हम लोग देख चुके हैं, और कुछ है देखने के लिए रूम के अंदर ना, एक तो हमने फोटो देख ली अपने बेटे की और एक ये बंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो चलते हैं फिर रूम के बाहर अंदर। रूम के कुछ फायदा नहीं है फिर रहने का। अच्छा, इसके पास लॉकर वाली जो की थी वह मिल गई हमें, जो हमारे रूम की थी। और कितना बुरा मुक्का मारा उस बंदे ने, ये देखो मुंह की हालत खराब कर दी हमारा। तो अभी हम लोग चलते हैं, और देखो सिप कितना बड़ा है, मतलब ये क्या क्या कैमरा एंगल दे रहे हो तुम लोग, ये बताओ मुझे, ऐसे कैमरा एंगल ना दो, कहाँ को जा रहा हूं मैं अभी, थोड़ा अच्छे से दे दो भाई। ये देखो बिल्कुल ऐसे क्लोज क्लोज के कैमरा एंगल दे रहे हैं ना, अगर कोई सामने से निकल गया ना मेरे, तो मेरी अभी पटके चार हो जाएगी। और ये रहा वो 40, मिल गए ना तुझे तेरे 50 सेंट्स। निकलते हैं यहाँ से भाई, कुछ गलत चल रहा है सिप के अंदर, गोलियां चलने की ये आवाज थी जब हम बेहोशी की हालत में थे, देखा ना आपने। ओ भाई कोई वो चला रहा है गोलियां, देखो। ओ भाई वो आ गई चॉइस यहाँ पे, अगर हमने गलती की ना तो वो हमारे ऊपर फायर कर सकता है, अभी कीप काम रहना है। और ये अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरह से ये रखा गया है, अगर मैंने एक गलती की ना लग जाएगा हमारे, एस एस सही टाइम पे हमें यह दबाना है। ओले ओले हो, धीरे धीरे मेरे भी अभी हार्ट बीट तेज हो रखी है यहाँ पे। ओ भाई बच गए लौंडे, शांति से वहां पे निकल लो, तुम पीछे मत मुड़ के देखना। ओ भाई फिर से आ गए हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना लेनी, हार्ट बीट हमारी चल रही है। एक गलती और एक यहाँ पे बंदा खो दूंगा हम अपना। ओ भाई ये कौन दिख रहा है, इसे कहाँ को भाग लिया, वो गोली चलाते हुए जो किसी पे भी गोली पेलने में लगा हुआ है। हो भाई अभी ऐसे ऐसी तबाही मचने वाली है, एक इसका अंटिल डॉन भी आपने देखा होगा, मुझे सारे गेम्स खेल ले लेकिन मेरे लैपटॉप में नहीं चलेंगे, एक ही चला बड़ी मुश्किल से, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से। ओ क्या था वो, इसका बच्चा था क्या, यानी इसका बेटा था क्या, वो हमें ही दिख रहा है क्या। ओ चाली तूने देखा क्या, मेरे सामने से कोई अभी निकला यहाँ पे, क्या है, अभी थोड़ा घूम के आते हैं आगे की तरफ, फिर हम लोग ये खोलेंगे गेट। ठीक है इस गेट पे क्या है, चलो देखते हैं जाके, हेलो कोई है उस गेट की तरफ, खुलने की कोशिश करते हैं हम लोग, खुल जा। अच्छा हमें चार्ली की हेल्प लगेगी, आ जाओ चार्ली, दम लगाते हैं दोनों, दम लगा के हाई साहब। अच्छा तुम्हें जल्दी जल्दी एस 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 प्रेस करना है। पता है इस गेम को खेलने के बाद मुझे क्या याद आ रहा है, एक गेम है प्रिंस ऑफ पर्सिया का, आपने 2008 वाला खेला होगा, जिसमें उसके पापा वगैरह एक पेड़ काट देते, उसमें फिर मॉन्स्टर्स वगैरह से वह पेड़ जुड़वा जुड़वाना पड़ता है, कुछ लड़ाई मड़ाई करके कुछ 4 प्लेट्स रहती है, उसी की याद आ रही है। ऐसे उसमें प्रेस करना पड़ता है ना जो ई, ओ भाई फट के 4 हो जाते हैं। ओ भाई ऐसा ना है, डराओ। वो अचानक से जो बॉडी गिरी ना, एक तो मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा था और यहाँ पे क्या हो गया अचानक से। चलते हैं, लेकिन हम लोग शायद वह वाला गेट देखना भूल गए, पहले तो मुझे थोड़ा सा पॉज करने दो गेम को, मेरे जरा सोचने दो कि आखिर करना क्या है अच्छे से। भाई कौन मार मार के जा रहा है इन बंदों को, पूरा सिप खाली हो जाएगा ऐसे तो, फिर चलाएगा कौन इस सिप को, हम लोग तो वैसे ही हाई हो रखे हैं, हाई एस वाक। ये देखो एक और बंदा पेल रखा है,
another stiff? Who's the lo- oh, ये इनका फ्रेंड है कोई बकली बकली यही ना कहना वहां बकली है किसकी पकली तो चलते हैं और अंदर की तरफ कहां को जा रहा हूं मैं अभी हेलो चार्ली कहां को निकल लिए तुम चार्ली ओ चार्ली ओ भाई ये कौन सा कैमरा एंगल दे दिया मुझे हेलो ये किसके पैर हैं भाई अच्छा मेरे ही पैर हैं मैं भी कौन सा गांजा फूंक रखा है अपने ही पैरों से डर रहा हूं यहां पे ओए चार्ली तो हमसे आगे को भाग रहा है भाई कोई ले जाएगा तुझे वैसे यहां पे सबके हालात खराब हो रखे हैं अभी कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी को पेलने में लगा हुआ है गोलियां चलाने में लगा हुआ है होल्ड शिफ्ट टू वॉक फास्टर ओके तो हम लोग तेज भी चल सकते हैं देखते हैं दबा के शिफ्ट ये कौन सा तेज भाग रहे हैं अभी भी तो स्लो ही चल रहे हैं भाई पहले तो हमें हर एक जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि आखिरकार होने क्या वाला है क्या स्टोरी चल रही है क्या नहीं है और हर एक क्लू मिलेगा हमें धीरे धीरे करके तभी पता चलेगा कि चल क्या रहा है वरना हमें स्टोरी फिर समझ नहीं आएगी भाई so, और तभी हम लोग अपने कैरेक्टर्स की जान बचा सकेंगे वो भाई कितना बड़ा सिप है की हवेली है कहां को अटक गए बढ़ना तो शुरू करो क्या बात करने वाला अच्छा मुझे ही चलाना है अरे यार अरे एक तो यहाँ पे मेरे पास अभी कैमरा वगैरह नहीं है जैसे फ्यूचर में ग्रो करूंगा कैमरा लेना पड़ेगा फिर जो मेरे आपको रिएक्शंस मिलेंगे ना एक नंबर चुम्मा चलो देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को भी क्या क्या पड़ा हुआ है देखो एक बंदे की वहां पड़ी हुई है बॉडी ओ दो बंदे ये भी पेल दिए किसी ने और बहुत बुरी तरह से मारा है मुंह खुले रह गए लोगों के एक गन लेनी चाहिए मुझे भी अपने हाथ में और तू चाकू उठा ले भाई चार्ली 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 ये तो वही एक गेम है ना चार्ली चार्ली वाला बुलाते हैं जिसमें हम लोग रात में चार्ली की आत्मा अरे यार क्या आवाज आ रही है कौन हंस रहा है ओ ब्रो इतना सस्पेंसफुल म्यूजिक क्यों चला रहे हो कोई गया भी मेरे सामने से ना देखिए किसकी बच्चे की आवाज आ रही है कहाँ है बच्चा ये बच्चे में भूत है क्या ये घोस्ट सिप है ये चार्ली कहाँ गया चार्ली को भी पील दिया किसी ने भाई अभी तो वो मेरे पीछे था चार्ली किसने मार दिया उसे ये चारों साइड से आवाजें आ रही हैं भाई मुझे मेरी फट रही है अभी अरे ये रहा वो बच्चा हेलो बच्चे मन के सच्चे पहनते आए तू कच्चे ये तो वही नाइफ है ना जो चार्ली के पास था फेल दो इसे बच उसे कुछ नहीं हुआ भाई इसकी ये क्या हुआ अटैक आ गया क्या हमें लग तो ऐसे ही रहा है भाई या तो इस बच्चे ने कुछ किया है हमारी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई कि हमें अटैक आ गया और ये हमारा बच्चा तो नहीं था ये लेकिन हमारा बच्चा यहाँ पे क्या करे सब पे उसकी तो फोटो रखी हुई थी ओ भाई क्या खतरनाक बच्चा था ये तो घोस्ट चिप है भाई और इसी के साथ सिप में कोई नहीं बचा कोई बचा भी है नहीं सिप में चलो कोई तो बचा यहाँ पे अरे यहाँ पे ये बंदा कौन भाग रहा है एक और अरे कोई सुन लो यहाँ पे तबाही मच रही है सिप में SOS पे ओ भाई ये कौन ड्रैगन टाइप का बंदा आ गया देखा उसके अंदर
और ये इसे के पीछे कौन लगा हुआ है? कितने भूत हैं सब पे? टू द मदर ऑफ द मैरी, क्या है होता है ना जब प्लस साइन दिखाते हैं, क्या चल रहा है भाई? ये भी मर गया भाई, ये भी गया, भगवान को प्यारा हो गया ये भी। इसी के साथ एक प्रीव्यू दिखा दिया उन्होंने, क्या खतरनाक गेम है। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक बजा, क्यूरेटर, हेलो क्यूरेटर आने वाला है, मुझे पता है कौन आता है यहाँ पे इस म्यूजिक से। क्यूरेटर की एंट्री होने वाली है, ये आप याद रखना जो अभी यहाँ पे सिप पे हुआ, क्योंकि बाद में ये सब चीजें याद आने वाली हैं, बहुत ये बहुत हेल्प करेंगी हमारी। ओ भाई क्या म्यूजिक चल रहा है, एक बार मैंने हेडफोन्स पहन रखे हैं ना जो 7.1 सराउंड साउंड वाले, आ हा हा हा, क्या मजा आ रहा है म्यूजिक सुन के। और भाई क्यूरेटर भाई, ये बंदा बहुत हरामी है, लेकिन पता है मुझे कैसे पता है क्यूरेटर अनटिल डॉन है ना, मैंने वो पूरा देख रखा है गेम एक तो, लेकिन मुझे वो फिर भी खेलना है। कैरी मिनाती की मैंने स्ट्रीम देखी थी बहुत पहले। ओह भाई म्यूजिक सुन के मजा आ रहा है, एक नंबर, ऐसा लग रहा है नाचने लगूं मैं। ये कॉपीराइट आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कौन सा मैं करोड़ों रुपए छाप रहा हूं, मुश्किल से आते हैं 150-200 रुपया महीना का। आपके सपोर्ट से मैं और गेम खेल सकूंगा जो मुझे फ्यूचर में ट्राई करने हैं भाई। क्या कंपास में क्या देख रहा है भाई तू? ओ भाई क्या म्यूजिक चल रहा है, अलग ही लेवल का। यहाँ पे मैं भी झूमने में लगा हूँ, कैमरा नहीं है वरना मजा आ जाता आपको भी। ये यो क्यूरेटर, मोमबत्ती जल गई तेरी इसी के साथ। हेलो हेलो ब्रो, तुम्हारा ही तो इंतजार था। टू माय रिपोजिटरी, ये थोड़ा पॉज किया जाए, पहले मुझे एक स्टोरी डालनी चाहिए स्नैपचैट पे कि कौन सा गेम हम लोग खेलने वाले हो, और फिर हमें अपने उसमें भी तो लगाना है भाई YouTube कम्युनिटी पोस्ट में, तो मैंने इसलिए यह पॉज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मैं देखो यह कोई ज़्यादा कट नहीं मारने वाला इस गेम प्ले में, क्योंकि ज़्यादा कट मारो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, जो रॉ रहेगा ना वो अलग ही लेवल का मज़ा देने वाला है। कौन सी बुक डाली तूने? मैन ऑफ मैदान वाली, मैदानी मैडन। I am the curator. Yeah, पता है मुझे Stories of love, Until Dawn में था ये, पता नहीं मैंने कहीं देखा हुआ है लेकिन इस बंदे को ये पता नहीं Until Dawn में भी सुना था ये कहानी या नहीं, कहीं तो मैंने देखा हुआ है। और I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it. Oh, determine whether the lives of those with whom you are interfering. मेरे हाथों में उन बंदों की लाइफ, एक मैंने गलत चॉइस गलत की और यहाँ पे उनके लग जाएंगे। You see, we each make decisions according to our own moral compass. Yeah. And we have to live with those decisions or die by them. But you shouldn't fear. ये बंदा बहुत डीप बातें करता है, और डीप बातें करने वाले बंदे बहुत सही लगते हैं मुझे। The tax one pays for having lived, and it comes eventually to everybody. Still, none of us want for it to come too soon. Do we? As in life, the actions you take matter. Oh. The choices you make will affect us. Real life में भी तो यही होता है, कुछ choices जो हम लेते हैं ना वो हमारी life को affect करती हैं। It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. बोलो क्या hint है भाई? There are pictures in this world that can show you some possible futures.
देखेंगे हम लोग कौन कौन सी पेंटिंग मिलती है हमें। Better decisions, or should I say, decisions that result in you would prefer. You would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken. ये पूरी रिकॉर्ड करने वाले हमारी कहानी। Yes, you've made. तो finally यहाँ पे गेम स्टार्ट होने वाला है। तो guys, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट मैन ऑफ मैडन का पूरा पसंद आया होगा। अगर आप उस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो ना तो अभी के अभी टू एंड प्लस वन लाइक कर दीजिए। अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो टू एंड डिसलाइक कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।